इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एट्टी जी जी ए डिडक्शन एट्टी जी जी ए क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट अब भाई जी डोनेशन की बात कर रहा है तो इसमें और ATG में आप कंफ्यूज ना होना एट्टी जी में बाकायदा डोनेशन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं पहले नो लिमिट विथ लिमिट फिर वो भी और सारी कैटेगरीज में डिवाइड होती है तो वो तो एक अलग चीज हो गई डोनेशन जो एट्टी जी वाला था एट्टी जी जी ए जो है स्पेसिफिक डोनेशन की बात करता है किसके लिए किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए ठीक है तो ये एटी जी जी ए कहता है और भी कई सारी चीजें एटी जी जी ए में वो भी अभी हम पढ़ेंगे

ये पांच हेड होते हैं सैलरी इसी में रिटायरमेंट भी आ जाता है फिर होता है हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस हेड को छोड़ के इन चारों हेड से अगर पैसा आ रहा है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर तो और उन्होंने कोई डोनेशन किया है साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में तब तो यहाँ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी डबल जी ए लिख के हम लेस कर देंगे ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा आप अगर उस एसएससी की जिसका भी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो अगर उनका कोई भी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस से आया हो या प्रोफेशन से आया हो या लिखा हुआ है कि पीजीबीपी का पीजीबीपी से उनका इतना इनकम हुआ है तो फिर उनको एट्टी डबल जीए डिडक्शन नहीं मिलेगा ठीक है इतनी सी बात है बस ध्यान रखिएगा कि बाकी चार हेड में हुआ है उनका इनकम और उन्होंने ए, कोई भी डिडक्शन डोनेशन किया है साइंटिफिक रिसर्च को तो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80 डबल जीए में ठीक है लेकिन बिजनेस और प्रोफेशन से अगर कोई इनकम आया है तो उनको 80 डबल जीए में डिडक्शन नहीं मिलेगा अब भाई ये बताओ आप लोग लग रहा होगा ऐसी क्या दुश्मनी है पीजीबीपी पी से देखो दुश्मनी नहीं है क्या होता है कि प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में ऑलरेडी एक कह सकते हो आपकी एक तरह से एक रूल होता है कि कोई भी ऐसा डोनेशन होता है ना तो वो उसी समय हम लेस कर देते हैं कहने का मतलब कि जैसे कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मान लो इनकम आ रहा था इनका फोर लाख और वहां पे इन्होंने कोई भी डोनेशन किया था साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो क्या होता है कि वो अमाउंट इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते समय ही डिडक्ट कर दिया जाता है ठीक है और ऐसा कोई प्रोविजन सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज के लिए नहीं है तो उसके लिए कि उनका और कहीं से इनकम हुआ है तो 80 तो डबल जीए इन इंसर्ट कर दिया गया है ठीक है लेकिन अगर उनका इनकम पीजीबी पे से हुआ है तो ऑलरेडी 80 डबल जीए वाला डिडक्शन वहीं पे मिल मिल चुका होता है तो इसीलिए पीजीबीपी वाले इनकम को 80 डबल जीए डिडक्शन नहीं मिलता है अभी पीजीबीपी पी का आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि किस था ऐसा ठीक है उससे पहले आप लोग देख लो और क्या-क्या चीजें आएंगी 80 डबल जीए में फर्स्ट सम पेड इन प्रीवियस ईयर टू रिसर्च एसोसिएशन और टू यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइडेड दैट सच एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा इज अप्रूव फॉर द पर्पज जो हमने हेडिंग में भी पढ़ा कि कोई भी सम अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूशन को दिया गया है किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ठीक है और वो एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन अप्रूव हुआ हो पर्पज से ठीक है तब इनको एट्टी डबल जीए का डिडक्शन मिलेगा सेकेंड पॉइंट सम पेड इन प्रीवियस ईयर टू रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज और स्टेटिस्टिकल रिसर्च प्रोवाइडेड दैट च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन इज अप्रूव्ड फॉर द पर्पज देखिये हो गए आपकी बाकी सारे वर्ड इसमें सेम है बस यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जगह सोशल साइंस और स्टेटिस्टिकल रिसर्च कर दिया है ठीक है तो वही सेम चीज यहां पर भी लागू होती है कि आ, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में कोई डोनेशन हो रहा है तो वो एट्टी डबल जीओ में डिडक्ट होता है वैसे ही सोशल साइंस के लिए रिसर्च के लिए या फिर कोई स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन को अगर दिया जा रहा है डिडक्शन और वो अप्रूव भी है तो फिर इनको एट्टी डबल जीए में डिडक्शन मिलेगा ठीक है थर्ड सम पेड बाय दी इन प्रीवियस ईयर टू अ रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन थर्टी फाइव सीसी कोई भी सम अगर दिया गया प्रीवियस ईयर में रूरल डेवलपमेंट फंड के लिए जो कि सेटअप बनाया गया है और नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थर्टी फाइव सीसीए के पर्पज भाई ये हेडिंग में भी आप लोग पड़े रूरल डेवलपमेंट तो रूरल डेवलपमेंट जो की नोटिफाइड भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो वो फंड के लिए अगर कोई पैसा गया है तो वो भी डिडक्ट होगा एट्टी डबल जी ए लिख के फोर्थ पेड टू अ पब्लिक सेक्टर कंपनी

अपलिफ्टमेंट के लिए वेलफेयर ऑफ द अपलिफ्ट ऑफ द पब्लिक के लिए ठीक है और वो स्पेसिफाई भी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कमिटी के रिकमेंडेशन पे तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा लास्ट है सम पेड टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड सेटअप एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये फंड एक याद रखना आपके नेशनल अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन फंड जो कि बनाया गया है और नोटिफाई भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो वैसे डोनेशन को भी लेस हो जाएगा ठीक है तो भाई ये पांच चीज याद रखना है कि साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी डोनेशन सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए कोई भी डोनेशन रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन पीपल पब्लिक के अपलिफ्ट के लिए डोनेशन और नेशनल अर्बन पॉवर्टी इेडिकेशन फंड के लिए डोनेशन तो ये एट्टी डबल जी ए में क्वालिफाई होता है ठीक है और यहा यह लिखा हुआ है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ द दीज एनी इनकम अंडर द हेड दीजीबीपी ही नॉट बी टू डिडक्शन अंडर सेक्शन जो मैंने आपको बताया कि पांच में से एक ऐसा हेड है पीजीबीपी अगर उनका इनकम पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से आया हुआ है तो उनको एट्टी डबल जी ए में डिडक्शन मत देना क्यों क्योंकि उनका ऑलरेडी एक बार वो लेस कर चुके होंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते समय तो दो, दो दो बार थो ना ये डोनेशन डिडक्शन डिडक्शन लेंगे ठीक है और बाकी चारों हेड से अगर इनकम है तो आप लेस कर सकते हो ठीक है अब हम ये देखेंगे कि आखिर पीजीबीपी में क्यों नहीं मतलब पीजीबीपी पी से अगर इनकम है तो क्यों 80 डबल जी ये नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको आ, पहले ही लेस हो चुका था तो वो एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और, और प्रोफेशन का क्वेश्चन है एच सी की पेज नंबर टू थ्री पे है ये ठीक है और इसका इस क्वेश्चन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये क्वेश्चन मैंने जब कराया था तो बताया था इसमें आप देखो यहां बोला गया कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ श्री राठौर यहाँ पे आप सिक्स पॉइंट देखो अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एन अप्रूव रिसर्च प्रोग्राम इन सोशल साइंसेज एंड नॉट कनेक्टेड विथ हिस बिजनेस अप्रूव्ड लिख दिया और रिसर्च प्रोग्राम है सोशल साइंसेज में किसी यूनिवर्सिटी को दिया गया है ठीक है तो फिर यही चीज अभी हमने एट्टी डबल जी ए में पढ़ा यहाँ पे आप देखो सेकंड पॉइंट में कि सोशल साइंस या फिर स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए कोई भी डोने, डोनेशन दिया गया है रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज को और अप्रूव है तो एट्टी डबल जी ए में मिलता है लेकिन मैंने क्या बताया था ये यह यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सोशल साइंस का रिसर्च और स्टेटिस्टिकल रिसर्च वाला तो फिर मैंने वहां पे आपको बताया था ना कि प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में अगर कोई इनकम है तो एट्टी डबल जी ए नहीं मिलता है देखो क्यों नहीं मिलता है यहाँ पे भी वही चीज सेम लिखा हुआ है जो आपने एट्टी डबल जी में पढ़ा लेकिन ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी तो जब इसका आप सॉल्यूशन देखोगे जो मैंने अभी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक उसमें आप देख लेना ये जो अमाउंट लिखा हुआ है कि अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एन अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम इन सोशल साइंसिस नॉट कनेक्टेड विथ हिस्स बिजनेस तो ये हमने लेस कर रखा है तो भाई जब यहां पे हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं अपने आ, बिजनेस इनकम से तो फिर इसको दोबारा डिडक्शन क्यों दोगे आप ठीक है अच्छा इसका रुको आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूं देखिए ये ट्वेल्व वाले का सॉल्यूशन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस यहां ये सारे इनकम हम ये सारे एक्सपेंसेस रहे और ये जो नेट प्रॉफिट था वो यहां पे हमने लिख दिया फिर ये जो भी एक्सपेंसेस रहता है वो हम ले रहे थे यहां पे तो अब देखो यहां पे ये

और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में कहा लिखा हुआ है तो पेज नंबर 215 में एस सी मेहरोत्रा की बुक इनकम टैक्स बुक में दे रखा है यहाँ पेज नंबर 215 पे आप देखोगे हेडिंग है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड वेल कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन मतलब कि बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम कैलकुलेट करते समय फॉलोइंग डिडक्शन अलाउड मतलब कि लेस होते हैं जैसे बहुत सारे हैं तो उसमें यहाँ पे ये आप देखोगे पेज नंबर टू पे तो यहाँ दिया हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च उसमें आपका पेड टू साइंटिफिक रिसर्च पेड फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऐसे ऐसे यहाँ पे आ चुका है ठीक है अब हमने ये देख लिया कि एट्टी डबल जीए में क्या क्या आता है किसको मिलता है तो वो सब देख लिया हमने किसको मिलता है पांच हेड होते हैं पांच में से चार हेड अगर इनकम किए तो मिलेगा अगर प्रॉफिट कहीं भी प्रॉफिट या गेन बिजनेस या प्रोफेशन का कोई को भी इनकम दे रखा है तो उनको नहीं मिलेगा एट्टी डबल जी क्योंकि उनका ऑलरेडी मिल चुका होता है अलाउड एक्सपेंसिस करके हम लेस कर चुके होते हैं ठीक है ये भी हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शन यानी कि कितना अमाउंट मिलेगा भाई सब में जैसे कि सब में आपने देखा होगा कुछ लिमिट होता है वैसे ही एट्टी जी में हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे क्या होगा हंड्रेड परसेंट ऑफ द अमाउंट डोनेटेड और कंट्रीब्यूटेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ये इतना ईजी डिडक्शन है बस आपको इतना याद रखना है कि साइंटिफिक रिसर्च सोशल रिसर्च रूरल डेवलपमेंट इन सबको और भी एक दो है वो याद कर लोगे आप ठीक है उसके बाद अगर वो अमाउंट आपको दिख रहा है और उनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है तो आप वो हंड्रेड परसेंट अमाउंट वो पूरा पूरा अमाउंट आप कर तो पूरा -पूरा पूरा -पूरा लेस कर देना दस हजार रुपए है तो दस हजार का हंड्रेड परसेंट हजार है और पीजीबीपी से इनकम ना है तो आप क्या करना वो जितना अमाउंट दिया गया है, वो पूरा पूरा अमाउंट लिखना लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी डबल जी ए और वो पूरा पूरा अमाउंट आप लेस कर दोगे ठीक है अब देख लो आप मोड ऑफ पेमेंट इफ ये मोड ऑफ पेमेंट सेम तरीका जो हमने एट्टी जी में पढ़ा है अगर डोनेशन 2000 से ज्यादा है तो कैश में अलाउ नहीं होगा कहने का मतलब आप दो हजार तक कैश में दे रहे हो तो ठीक है वो आप कह दोगे कि मैंने दिया है और एट्टी डबल जीए में अलाउ हो जाएगा लेकिन अगर दो हजार से आप ज्यादा का डोनेशन देना चाह रहे हो एट्टी डबल जी ए में क्वालिफाई होने के लिए तो आपको कैश छोड़ के किसी भी दूसरे मोड से ड्राफ्ट से चेक से देना पड़ेगा ठीक है डोनेशन अब थाउजेंड रुपीज इन एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट देन द कैश मतलब 2000 से ज्यादा आपको डोनेशन करना है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर दो आप ड्राफ्ट से कर दो चेक से कर दो तो आपका अलाव होगा लेकिन कैश में 2000 से ज्यादा अलाउ नहीं होगा ठीक है तो एट्टी डबल जी ए साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट सोशल रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए होता है उसके और एक था कि पब्लिक के अपलिप अपलिपमेंट के लिए एक था वह और फिर कौन एलिजिबल है तो पीजीबीपी का इनकम को छोड़ के बाकी सारे इनकम से बाकी सारे में अगर कहीं से भी पैसा आ रहा है अर्न कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन पीजीबीपी वाला इनकम है तो उनको नहीं मिलेगा क्योंकि उनको वहीं पे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैलकुलेट करते समय ही मिल जाता है ठीक है बाकी चारों हेड से है तो मिलेगा क्वांटम ऑफ डिडक्शन पूरा पूरा अमाउंट एट्टी डबल में लेस हो जाता है मोड ऑफ पेमेंट दो तक है कैश में तो चलेगा दो ज्यादा अगर करना है तो कैश में अलाउड नहीं होगा तो आपको कैश के अलावा किसी और मोड ऑफ पेमेंट से पे करना होगा अब हम एक क्वेश्चन करेंगे 14 इसमें डबल भी है और भी जो हमने अभी तक पीछे 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 सारे डिडक्शन पड़े हैं वो सारे भी डिडक्शन दिए तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा एक तरीके से ठीक है मिस्टर बी हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ लाख द फॉलोइंग ठीक है उनका जीटीआई एट लाख रुपीज ऑलरेडी कैलकुलेट होकर दिया है ठीक है ग्रॉस टोटल इनकम पता है ना क्या होता है पांचों हेड का सम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो सम होता है उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम ठीक है income, तो आठ लाख रुपए फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिपॉजिटेड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ इज मेजर सन इनशनलाइज्ड बैंक अब ये ऐसा डोनेशन टैक्स सेवर डिपॉजिट में डिपॉजिट किया गया है नाम पे नेशनलाइज बैंक पे तो ऐसा तो कोई डिडक्शन हमने पढ़ा नहीं भाई आ, ना ही एटीसी में, में भी तो पहला वाला नॉट अलाउड ठीक है सेकेंड पेड रुपीज फिफ्टी थाउजेंड टूवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अगेंस्ट पॉलिस अमाउंट ऑफ रूपीज फोर लाख टेक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो डिडक्शन होता है वो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था एटीसी में आता है ठीक है और उसमें भी एट्टी सी में जो आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ सेल्फ स्पाउस और हिज और हर चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर यानी कि सिर्फ खुद पे हस्बैंड या फिर वाइफ पे और उनके बच्चों पे इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर का भी प्रीमियम आता है ठीक है तो यहां पहले तो देख लो आप क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आता है मैरिड डॉटर का क्वालिफाई होता है ठीक है तो यह आता है एट्टी सी में ठीक अब हम देख लेंगे कितना अमाउंट क्वालिफाई होगा तो यहां लिखा हुआ है कि ये पचास हजार रुपए ये प्रीमियम पे कर रहे हैं और चार लाख रुपए की पॉलिसी थी जो कि 2017 में ली गई थी भाई दो तरीके के मेनली होते हैं एक होता है जो कि इश्यू हुआ है बिफोर 1 अप्रैल 2012। लेकिन यहां पे कब लिया गया है पॉलिसी लिया गया है यानी कि 2017 में तो यहां पे ये सेकेंड वाले में आएगा इशूड ऑन और आफ्टर वन अप्रैल 2012 के लिए तो भाई 2017 तो 2012 के बाद का है तो ये बी वाली कैटेगरी में आएंगे इट शुड नॉट एक्ससीड 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अशयर्ड तो 80 सी में कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 2017 से पहले ली गई होती सॉरी 2012 से पहले ली गई होती 1 अप्रैल 2012 से तो फिर 20% तक का छूट मिलता है लेकिन अगर 2000 हजार 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद कोई भी पॉलिसी ली गई है तो केवल 10% परसेंट मिलता है किसका 10% परसेंट पॉलिसी का तो आप ऐसे करोगे 4 लाख ,00 का 10% परसेंट कितना होता है फोर्टी थाउजेंड और जो आपने प्रीमियम ये पे कर रही है वो कितना है वो फिफ्टी है थाउजेंड तो कितना ज्यादा है दस हजार रूपए ज्यादा है तो हम जब 2017 के जब 2012 के बाद लिया गया है तो केवल 10 परसेंट तक कर सकते हैं अगर उससे कम होता तो चलता लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो 4 लाख का 10 परसेंट चालीस हजार दस हजार रुपए कम है तो केवल आप लिखोगे कि एटी सी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैरिड डॉटर क्वालिफाइड अप टू टेन परसेंट फोर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है डिपोजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूपीज थर्टी थाउजेंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी सेक्शन एट्टी सी में आता है ठीक है तो ये भी क्वालिफाई होगा कंट्रीब्यूटेड वन लाख टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड ये आता है एट्टी जी, जी में तो दो कैटेगरी पहले नो लिमिट विध लिमिट फिर नो लिमिट विथ लिमिट में भी दो दो कैटेगरी कैटेगरी वन टू थ्री फोर नो लिमिट में भी हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट विथ लिमिट में भी हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट ये पीएम नेशनल देखो सर पीएम वाला फंड नेशनल वाला फंड हमेशा नो लिमिट के 100 परसेंट यानी कि कैटेगरी ए में जाता है तो कैटेगरी ए ऑफ एटीजी ठीक है तो यह पूरा का पूरा 100 परसेंट अलाउ होगा डोनेटेड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड टू तो अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अब भाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए बीस हजार रुपए डोनेट किया है इन्होंने और रिकग्नाइज भी है ठीक है तो अगर पीजीबीपी को छोड़ के बाकी सारे से इनकम हुआ है तो तो यहां पे मिलेगा एट्टी डबल जी में नहीं तो नहीं मिलेगा तो एक बार ये पॉइंट भी आप देख लो ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन साफ साफ यहाँ कर दिया है, कि इनके में, नहीं है. ठीक है? जब नहीं इंक्लूड है से कोई भी इनकम नहीं हुई होगी तो यही यही एलिजिबिलिटी है एट्टी डबल जी ए की पीजीबीपी को छोड़ के बाकी चारो हेड से अगर इनकम हुआ है तो एट्टी डबल जी ए में ये क्वालिफाइड हो जाता है हंड्रेड परसेंट तो ये ट्वेंटी थाउजेंड पूरा हंड्रेड परसेंट क्वालिफाई हो जाएगा ठीक है अगर इनकी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर दू था ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ग्रॉस टोटल इनकम हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है उसमें से हम सारे डिडक्शन लेस करेंगे टोटल इनकम आ जाएगा सॉल्यूशन देखते हैं अब हमेशा ये फॉर्मेट जरूर बनाओगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फिर जो भी असेसमेंट ईयर है अभी इसमें लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 ठीक है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम दे रखा है एट लाख रुपीस ठीक है हम इसमें से लेस करते हैं डिडक्शंस ठीक है ये मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका पीछे वाला भी रिवाइज हो जाएगा ठीक है सबसे पहला दे रखा है डिपॉजिटेड फिफ्टी थाउजेंड इन नेशनलाइज बैंक सन का है टैक्स सेवर डिपॉजिट में ये पैसा डिपॉजिट किया गया लेकिन ऐसा डिडक्शन हमने कहीं नहीं पड़ा है तो ए वाला जो है वो नॉट क्वालिफाइड है ठीक है तो अगर लिखना है आपको तो ये लिख सकते हो बस कि डिपॉजिटेड फिफ्टी थाउजेंड इन टैक्स सेवर डिपॉजिट ये नॉट क्वालिफाइड अब दूसरा दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लाइफ पे हस्बैंड या वाइफ और सन डॉटर इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर आता है तो यहां पे सब चीजें क्वालिफाई करने लायक हैं तो इसलिए आप लिखोगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन एट्टी सी तो एटीसी में बी और सी दोनों है तो पहले बी वाला कर लेते हैं बी वाला है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मैरिड डॉटर लाइफ मैरिड डॉटर लाइफ क्योंकि 2001 एक अप्रैल 2012 के बाद लिया गया था पॉलिसी एक अप्रैल 2012 से पॉलिसी अगर पहले लिया गया है तो 20% परसेंट तक पॉलिसी अमाउंट के 20% परसेंट तक का छूट मिलता था लेकिन जो जो भी पॉलिसी एक अप्रैल 2012 के बाद ली गई है तो उससे केवल 10% परसेंट का छूट मिलेगा तो यहां आप लिख दो क्वालिफाइड अप टू टेन ठीक है तो यहां पे पॉलिसी का अमाउंट है फोर लाख रूपीज और इन्होंने पचास हजार रुपए प्रीमियम पे किया है तो अगर पॉलिसी अमाउंट के दस परसेंट के ये अमाउंट अंदर होता तो तो हम ले लेते लेकिन ये पॉलिसी का जो दस परसेंट यानी कि चार लाख रुपए का दस परसेंट ये हो जाएगा चालीस हजार रुपए अब आप इस साल मतलब ये जो इसका दस परसेंट है और जो प्रीमियम के लिए पैसा पे किया गया उन दोनों को आप कंपेयर करोगे जो भी लेस होगा वो पे होगा तो भाई चार लाख ,00 का दस परसेंट चालीस हजार और जो इन्होंने प्रीमियम पे किया पचास हजार वो इससे ज्यादा है तो हम केवल दस परसेंट तक ही का छूट ले सकते हैं जब एक अप्रैल दो की पॉलिसी दो के बाद की पॉलिसी है या एक अप्रैल दो की पॉलिसी है तो फिर यहाँ पे भाई केवल चालीस तक डिडक्शन मिलेगा ठीक उसके बाद दे रखा है डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये भी एटीसी में आता है डिपॉजिट अगर आपने ए की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आप उसको भी देख सकते हो डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट मैंने स्मॉल में लिख दिया है ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आप इसको पूरा पूरा लिखना सुकन्या समृद्धि अकाउंट तीस हजार रुपए ठीक है उसके बाद है एट्टी सी में और कुछ नहीं है तो यहां आप लिख दो सेवेंटी थाउजेंड रुपीज ये एक हो गया उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी जी अब देखो एट्टी जी में तो हम बाकायदा एक चार्ट बनाते हैं पूरा हम उसमें ऐसे बनाते थे कि एट्टी जी फिर उसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे ये हो जाता था नो लिमिट और ये हो जाता था विथ लिमिट का अमाउंट फिर ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता था हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट और ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता था हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट हंड्रेड पर जो, जो अमाउंट आता था यहां पे वो हम पूरा पूरा ले लेते थे यहां पे जो अमाउंट आता था उसका फिफ्टी परसेंट अब यहां पे हम सीधे सीधे नहीं लेते थे पहले एक लिमिट निकालते थे फिर उसके बाद उस लिमिट से कंपेयर करके तब इधर का डिडक्शन ले लेते थे यहां पे हमारे क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं इलास्ट्रेशन फोर्टीन उसमें जो लिखा हुआ है डी पॉइंट कंट्रीब्यूटेड रुपीज वन लाख टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड तो पीएम का केवल एक फंड है जो कि बी में जाता है देखो गांधी फैमिली वाला बी, बी में आता है और एक पीएम का सूखा वाला फंड पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड तो वो तो है नहीं है और पीएम और नेशनल वर्ड लगा हुआ है तो पीएम और नेशनल वाले सारे के सारे डिडक्शन ए में जाते हैं एक पीएम वाला बस इसमें जाता है वो आपको पढ़ाई दिया हूं तो यहां पे पीएम नेशनल रिलीफ फंड कैटेगरी ए में आएगा और यहां पे जो भी आता है अमाउंट उसका पूरा 100 परसेंट लेते हैं तो एक लाख रुपए है तो हम लिख लेंगे यहां पे एक लाख रुपए बाकी कैटेगरी बी कैटेगरी सी और कैटेगरी डी में कुछ भी नहीं है तो इधर साइड अगर आपको सिर्फ कुछ दिया इधर वाला अमाउंट ही नहीं दे रखा है तो अगर 100 परसेंट के साइड दिया है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो 100 परसेंट अमाउंट और 50 परसेंट वाले साइड दिया है तो आप सीधे सीधे लिख दो कि फिफ्ट, उसका जैसे यहाँ एक लाख है तो उसका आधा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आप लिख दो मतलब पचास ठीक है उसके लिए चार्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है मैंने बना के दिखा दिया आपको ऐसे तो यहाँ आप लिखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड क्योंकि यह कैटेगरी ए है यानी कि हंड्रेड परसेंट अलाउड क्वालिफाई हो जाएगा कितना अमाउंट है एक लाख रुपए पूरा पूरा अमाउंट आप क्वालिफाई कर दो उसके बाद दिया हुआ है लास्ट पॉइंट में डोनेटेड रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड टू तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर पीजीबीपी से इनकम होता तो एट्टी डबल जीए में इसको नहीं देते साइंटिफिक रिसर्च को लेकिन क्योंकि यहां साफ साफ मेंशन है कि ग्रॉस टोटल इनकम में कोई भी पीजीबीपी का इंक्लूजन नहीं है तो पीजीबीपी का जब इंक्लूजन नहीं होता है बाकी चारों हेड में से किसी का भी हो तो साइंटिफिक रिसर्च सोशल रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिसर्च रूरल डेवलपमेंट इन सब का पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट एट्टी डबल जी ए में क्वालिफाई होता है तो यहां आप लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन एट्टी डबल जी ए ये यह यहां पे हुआ है डोनेशन अगर कंट्रीब्यूशन वर्ड भी देता तो भी आप इसको डोनेशन ही मानते और ले लेते ठीक है तो डोनेशन टू गवर्नमेंट रिकोग्नाइज इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो साइंटिफिक रिसर्च सोशल रिसर्च स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए कोई भी डोनेशन अगर हो रखा है और पीजीबीपी से इनकम नहीं है तो पूरा हंड्रेड परसेंट क्वालिफाई कर दो हंड्रेड परसेंट अलाउ तो ये कितना अमाउंट है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज तो यहाँ पे आप लिख दोगे इसे ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब

और ये मेरा एट लाख थोड़ा कुछ ज्यादा ही इधर हो गया आप इसको ऊपर नीचे बराबर में रखना ठीक है, है तो एट लाख में से जब आप वन लाख नाइनटी थाउजेंड रुपीज लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा सिक्स लाख टेन थाउजेंड रुपीज और यही है टोटल इनकम ठीक है यहां पे सबसे पहले हमने लिखा फॉर्मेट uh, बनाया फिर लिखा ग्रॉस टोटल इनकम एट लाख रुपीज लेस किया हमने डिडक्शन पहला वाला क्वालिफाई नहीं होता है दूसरा बी और सी वाला एट्टी सी में क्वालिफाई होता है डी वाला मतलब होता है नहीं यहां पे हो रहा है और uh, डी वाला एट्टी जी में क्वालिफाई हो रहा है और लास्ट एट्टी डबल जी ए वाला जो है वो साइंटिफिक रिसर्च का रहता है तो ये एट्टी डबल जी ए में क्वालिफाई हो जाएगा पूरा पूरा फिर इन सबको हमने ऐड किया ये आ गया वन लाख नाइनटी थाउजेंड रुपीज इसको हमने एट लाख रूपीज में से लेस किया तो ये हमारा आया टोटल इनकम सिक्स लाख टेन थाउजेंड रुपीज यही हमको कैलकुलेशन करना था